आपने बोले मार कर रहे हैं आपने बाबू थोड़ा सा पूड़ी यहाँ दो और बुंदिया वगैरह दो या पूड़ी बुंदिया दो थोड़ा सा चंदन अपना जगह पे देखो मिस्टर सचिन जी और संपति से आ रहा है जी नारायण का यज्ञ है नारी सहयोग कर रहा सब जनता का सहयोग से यज्ञ होता है बुधिया जी महाराज के सानिध्य में होता है हमारा पंच परमेश्वर यज्ञ कमेटी मेहनत करता है लेकिन यज्ञ होता है जनार्दन के बल पे सो ये यज्ञ हमारे रामलला के साथ साथ जनता जनार्दन को हम लोग समर्पित कर किए हैं और उनके सहयोग से ही यज्ञ का ये रूप दिखता है। कितने टीना अभी तक हवन में घी जल चुके हैं हवन जल चुके हैं नवेद जल चुके हैं नवेद में तो देखिए इस यज्ञ को नवेद की बात करें तो इस यज्ञ को करने के पश्चात पता चला हम लोग कि पूजा में क्या क्या वस्तु लगता है हम आप सोचते हैं कि केवल घी महंगा है केवल घी नहीं इसमें अगड़ तगड़ गुगुल कमल गट्टा व्यक्ति को बोलने पे हंसेगा कि क्या बोल रहा है कोई पागल तो नहीं बोल रहा और आप विश्वास नहीं कीजिएगा 3200 3600 2600 1800 रुपये किलो का वस्तु है सर सारे घी तो मेरे ख्याल से हवन में अब तक 30 किलो के लगभग समावेश कर गया शुरू से अभी तक और घी की मात्रा प्रसाद में कम से कम 30 टीना के लगभग होता है तो ये घी के विषय में आप पूछे हो हम बता रहे हैं बट पूजा सामग्री सब कुछ मिला के करीबन 1,15,000 रुपये का सामान पड़ता है उसमें घी को छोड़ के तिल है अच्छा था काला तिल है धुना है वगैरह वगैरह इस तरह का हम लिस्ट देखेंगे तभी बताएंगे कि 70 आइटम लगता है कि 65 आइटम लगता है नहीं तो हम लोग तो धूप धूना पे पूजा कर लिया करते थे उतना ही जानकारी था इसको करने के बाद जानकारी हुआ कि इस धरती पे नाना प्रकार का ऐसा वस्तु है जिसका ये कीमत है और इस वस्तु को जलने से वातावरण शुद्ध होता है ओजोन की मात्रा में मैंने कमी आती है ओजोन को इससे मदद मिलता है नारायण जी का एक कृपा है इस नारायण जी के पूजा के बाद ही हम लोग जाने कि अगड़ तगड़ उगल गुगुल क्या होता है 3200 रुपये किलो 3600 रुपये किलो नारायण जी के द्वारा ही हम लोग जाने नहीं तो जानते नहीं थे इस यज्ञ को करने में समिति के लोग मुझे अध्यक्ष मान के चल रहे मैं ये बात को सहर्ष स्वीकार किया सारे समिति का आभार प्रकट करता हूँ इसके लिए लेकिन मेरा रोजगार का धंधा से लेके इस यज्ञ को सबसे ज्यादा कोई कंधा देते आया पहली जग से 2007 2012 2018 और ये वाला में तो मेरा छोटा भाई राहुल उसके पास बाद रतन है अशोक गुप्ता है शंकर सिंह है मनोज है विजय है चंदन पांडे इस बार बहुत मेहनत किया रतन बहुत मेहनत किया तो इस तरह गिरी जी है भैया का नाम हम बोल रहे हैं छोटे भाई का मित्र है वो भी इस जग में शुरू से बहुत मेहनत किया है मितेश है पंकज पहली जग से मेहनत करते आया बेचारा शुरू से और जी जान से धन मन तन से सब तरह से मेहनत करता है धनंजय जी हम लोग के साथ जितेंद्र है बेचारे जितेंद्र जी हुए इनके एक करनी से बिहार से दो टीना घी आया अपने एक टीना स्वयं घी दिए दिन रात मेहनत किए तो हम किसी का मेहनत को आकलन क्या करें बस यही इतना कहेंगे कि सब भाई का देन है कि ये
जग इतना कुशल और सफल पूर्वक इन लोग के मेहनत पे हिसाब है। आज आज हाथी पूरी बन रहा है और जमशेदपुर के कितने लोगों को यज्ञ की भाग में वो अपने प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने का अनुमान है। देखिए पहली यज्ञ 2007 में हुई थी तो 8,500 व्यक्ति ही प्रसाद ग्रहण किए थे। दोबारा 2012 में हुई थी तो हमको लगता है कि लगभग 12,000 आदमी पंगत किए थे। 2018 में जो यज्ञ हुई थी उसमें 15,000 से ज़्यादा लोग करीब करीब पंगत किए थे, जो कि 12 बजे दिन से निरंतर 12 बजे रात तक चला था। तत्पश्चात हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस बार भी वैसे ही कुछ अनुमान है कि हम लोग 15,000 से ज़्यादा का टारगेट लेके चले हैं। श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हमारे गुरुजी दुधिया जी महाराज के सानिध्य में पंच परमेश्वर यज्ञ कमेटी द्वारा जो की जा रही है। इस यज्ञ का प्रतिफल यही होता है कि इसे मनुष्य में सद्गुण उत्पन्न हो, उस सद्गुण को साथ सुख शांति समृद्धि की कामना सभी करते हैं, सबकी प्राप्ति होती भी है। वही सुख शांति समृद्धि की चाहत में अपने नगर अपने राज्य अपने देश संसार के लिए चाहता है कमेटी। सो सभी सुख शांति से रहें, अमन चैन से रहें और इस जग में पुण्य के भागी बनने वाले चाहे बन रहे जो हो चाहे प्रसाद पाके जो बनेंगे, यज्ञ कमेटी ये जानती है कि उस पुण्य में से हिस्सेदारी करने वाला कोई नहीं, तो इससे बड़ा सुख शांति क्या होता है। जिस धन में कोई बंटवारा ना हो ये सुख शांति का एक प्रतीक है। इसको समझ के हम सब मान लीजिए कि सुख शांति भगवान का दिया हुआ पाए है और इसी तरह चाहते हैं कि सारा शहर सारा राज्य सारा देश उस सुख शांति में रहे। यही कामना हम सब पंच परमेश्वर कमेटी की, सबों की मनोकामना पूर्ण हो, सबों के लिए अच्छा हो।